गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। जैसे कि हमें पता है कि प्लांट वाटर को अपने अंदर लेता है सॉयल से अपनी रूट्स के थ्रू, और ये जो वाटर है इसे कहा जाता है जाइलम सैप, जो कि जाइलम वेसल्स के थ्रू कैरी किया जाता है और वहाँ से प्लांट के सभी पार्ट्स को पहुँचाया जाता है। रूट्स की जो जाइलम वेसल्स होती हैं प्लांट की, वो कनेक्टेड हो जाती हैं उसके स्टेम की जाइलम वेसल्स के साथ, और जो वाटर होता है वो रूट में जाइलम वेसल से एंटर करके स्टेम की जाइलम वेसल में एंटर कर जाता है। जो स्टेम की जाइलम वेसल्स हैं स्टेम ब्रांच की, वो लीव्स में जाकर, प्लांट की लीव्स में जाकर कनेक्ट होती हैं, और जितना बाकी बचा हुआ पानी होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में एयर में ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस्ट हो जाता है। जैसे कि आप इसमें समझ सकते हैं, ये रूट है जिसने मिट्टी में से रूट हेयर के थ्रू पानी को लिया। अब जो इसके ऊपर लेयर थी वो काफ़ी हद तक इन पार्टिकल ने अब्सॉर्ब करी। अब यहाँ से लेने के बाद ये सीधे किस में जाएगी, जाइलम वेसल्स में, जो स्टेम की है, स्टेम की जाइलम वेसल्स के बाद लीफ की जाइलम वेसल्स में जाएगी। जो स्टोमा होंगे वो यहाँ से वेस्ट वाटर को बाहर ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज़ कर देंगे। ये मेन इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको बनाना है। इससे नेक्स्ट आता है कि किस तरह से वाटर जो है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू सक किया जाता है। पहले आप इतना लिखें, फिर मैं इससे आगे का आपको बताती हूँ। थैंक यू।